ठंड का मौसम था। शीत लहर पूरे राज्य में बह रही थी। कड़ाके की ठंड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने ब्राह्मण पर निकला था। महल वापस आने पर उसने देखा कि महल के मुख्य द्वार के पास एक वृद्ध बैठा हुआ है। पतली धोती और कुर्ता पहने वह वृद्ध ठंड से कांप रहा था। कड़ाके की ठंड में उस वृद्ध को बिना गर्म कपड़ों के देख राजा चकित रह गया। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? लग रही है, पर क्या करूं, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। इतने वर्षों से कड़कड़ाती ठंड में यूं ही बिना गर्म कपड़ों के गुजार रहा हूं। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देता है कि मैं ऐसी ठंड सह सकूं और उसमें जी सकूं, वृद्ध ने उत्तर दिया। राजा को वृद्ध पर दया आ गई। उसने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। वृद्ध प्रसन्न हो गया। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वृद्ध को आश्वासन देकर राजा महल के भीतर चला गया, किंतु महल के भीतर जाकर वहाँ अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया और वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल गया। अगली सुबह एक सिपाही ने आकर राजा को सूचना दी कि महल के बाहर एक वृद्ध मृत पड़ा है। उसके मृत शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ है जो वृद्ध ने अपनी मृत्यु के पूर्व लिखा था। संदेश यहाँ था, इतने वर्षों से मैं पतली धोती कुर्ता पहने ही ठंड सहते हुए जी रहा था, किंतु कल रात गर्म वस्त्र देने के तुम्हारे वचन ने मेरी जान ले ली।